राम राम सभी भाइयों को। क्या हाल है भाइयों, आप सबकी उम्मीद करता हूँ बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। भाइयों आज हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट जनरेशन बलिनो के बारे में, जो कि दोस्तों बहुत टाइम से आप देखते आ रहे हैं। मारुति वाले ने अपनी बलिनो का फेसलिफ्ट नहीं लॉन्च किया है, यानी कि फेसलिफ्ट तो लॉन्च किया है लेकिन उसका कोई अपकमिंग जनरेशन लॉन्च नहीं करी। फाइनली दोस्तों मारुति बलिनो अब आपको एक नए अवतार में दिखने वाली है। गाड़ी का एक बिल्कुल ही नया लुक आने वाला है दोस्तों, जो कि 2021 के एंड तक मारुति लॉन्च कर देगी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ गाड़ी का इंटीरियर एक्सटीरियर, क्या क्या उसमें आपको फीचर्स मिलने वाले हैं और गाड़ी का क्या प्राइसिंग रहने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट करके वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी दबा देना, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। चलिए शुरू करते हैं फिर आज की वीडियो। तो भाइयों अगर हम नई बलिनो की बात करें तो गाड़ी आपको बिल्कुल ही चेंज करती हुई बाहर से दिखाई देगी, चाहे उसका एक्सटीरियर हो या फिर उसका इंटीरियर हो। एक्सटीरियर में सबसे पहले तो इसमें आपको दोस्तों गाड़ी का जो डायमेंशन है वो आप पुरानी वाली बलिनो से आपको ज़्यादा बड़ी मिलने वाली है, यानी कि गाड़ी अब आपको थोड़ी सी लंबी, थोड़ी सी चौड़ी और हाइट भी थोड़ी सी बढ़ा दी गई है। इसका मतलब गाड़ी थोड़ी सी बड़ी कर दी गई है दोस्तों, और साथ ही साथ इस गाड़ी का व्हील बेस भी आपको पुरानी वाली बलिनो से ज़्यादा मिलता हुआ दिखाई देगा। इसके एक्सटीरियर में आपको नए डिज़ाइन के इसमें आपको हेडलैम्प्स मिलेंगे जो कि प्रोजेक्टर के साथ आने वाले हैं, जो कि HID के साथ मिलने वाले हैं दोस्तों। और साथ ही साथ इसमें आपको दोस्तों DRS भी मिलने वाले हैं, जो कि इसके आपके पास फोग लैंप्स में मिलने वाले हैं। नए डिज़ाइन के इसमें आपको फोग लैंप्स मिलेंगे। इसमें आपको नए डिज़ाइन की क्रोम की ग्रिल मिलेगी दोस्तों, जो कि बहुत शानदार होने वाली है। जो आने वाली नई बलिनो है उसमें आपको एक स्पोर्ट्स वेरियंट भी मिलने वाला है, जो कि बलिनो RS के नाम से आपको स्पोर्ट्स वेरियंट मिलेगा। ये वेरियंट आप थोड़ा सा ज़्यादा स्पोर्टियर मिलने वाला है। बाकी रियर से बात करें तो गाड़ी आपको रियर से भी नई, इसमें आपको LED टेल लाइट्स मिलेंगी, नई इसमें आपको वाइपर, डिफॉगर, शार्क फिन एंटीना, फ्रंट एंड रियर स्क्यूब प्लेट्स, रियर स्पॉइलर, सब कुछ इस गाड़ी में आपको मिलने वाला है दोस्तों। और साथ ही साथ इसमें आपको R16 inch के डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिलेंगे, जो कि यार बहुत शानदार लुक में आने वाले हैं। अब दोस्तों ये तो होगी इसके एक्सटीरियर की बात। बाकी अगर हम इसके एक्सपेक्टेड लॉन्च की बात करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस गाड़ी का इंतज़ार है, अगर हम इसके एक्सपेक्टेड लॉन्च की बात करें तो ये गाड़ी आपको दोस्तों 2021 के एंड तक लॉन्च हो जाएगी, जहाँ तक की उम्मीद है 2021 के एंड तक या फिर 2022 की शुरुआत तक मारुति अपनी नई जनरेशन बलिनो को लॉन्च कर देगा। क्योंकि इसके कंपटीशन में अब आपको देख सकते हैं टाटा की अल्ट्रोस भी नहीं आ गई, जो हुंडई i20 का जो पुराना वेरियंट था वो भी डिसकंटिन्यू करके अब आपको नया वेरियंट दिखाई दे गया। तो केवल यही एक गाड़ी है जिसको एक प्रॉपर फेसलिफ्ट नहीं मिला है। तो अब फाइनली मारुति सुजुकी अपनी बलिनो में अब नया फेसलिफ्ट लेके आ रही है, जो कि गाड़ी बिल्कुल ही चेंज कर दी गई है। इंटीरियर में बात करें तो इसमें आपको दोस्तों ऑल ब्लैक कलर का इंटीरियर मिलेगा, जो कि एक बिल्कुल फ्रेश और रीडिजाइन डैशबोर्ड होने वाला है दोस्तों। इसमें आपको 10 inch तक का टच स्क्रीन सिस्टम मिलेगा, जो एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, इनबिल्ट नेविगेशन सब कुछ सपोर्ट करेगा। साथ ही साथ इस गाड़ी में आपको क्रूज कंट्रोल भी मिलेगा, इनबिल्ट नेविगेशन भी मिलेगा। इसमें आपको दोस्तों 360 degree कैमरे का भी ऑप्शन मिल सकता है, जो कि इसकी केवल टॉप वेरियंट भी आने वाला है। बाकी अगर हम सनरूफ की बात करें तो आपको पता ही है मारुति की कोई सी भी गाड़ी है उसमें सनरूफ का ऑप्शन आपको नहीं मिलता, तो बलिनो में भी आपको सनरूफ नहीं मिलने वाला है दोस्तों। ये गाड़ी में आपको रियर AC वेंट्स, एम्बिएंट लाइट, कीलेस एंट्री, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, वायरलेस मोबाइल फोन चार्जिंग, सारे इसमें आपको कन्वीनियंट के फीचर्स मिलने वाले हैं। फीचर की भी गाड़ी में कोई कमी नहीं होने वाली, जैसे i20 में आपको सारे फीचर्स मिलते हैं ऐसे ही आपको नई बलिनो में आपको फीचर्स मिलने वाले हैं दोस्तों। अगर हम इसके इंजन की बात करें तो इसमें आपको दोस्तों 1.2 liter का टर्बो इंजन मिलेगा इसमें आपको, जो कि 91 PS की पावर और 118 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। साथ ही साथ इसमें आपको हाइब्रिड का भी ऑप्शन मिलेगा दोस्तों, जो कि आपको SHVS टेक्नोलॉजी के नाम से आता है, जैसे कि आपको सियाज में मिलता है। इसमें आपको हाइब्रिड इंजन भी मिलेगा, जो कि बैटरी और फ्यूल दोनों से ही चलेगा, आपका फ्यूल बचे, इसलिए इसमें आपको हाइब्रिड टेक्नोलॉजी नई इंट्रोड्यूस होने वाली है आने वाली बलिनो में। और ये इंजन आपको दोस्तों 5-speed की मैनुअल और 5-speed का टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ मिलने वाला है। बाकी इसकी गाड़ी की सेफ्टी भी आपको पता ही है, सेफ्टी में थोड़ा बहुत आपको गाड़ी में कॉम्प्रोमाइज़ करता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि आपको पता ही है मारुति की बिल्ड क्वालिटी, मारुति है वो बिल्ड क्वालिटी पे कम ध्यान देती है और अपने परफॉर्मेंस, अपनी एवरेज पे ज़्यादा ध्यान देती है। तो सेफ्टी इसकी वैसे ही रहने वाली है जैसे कि पुरानी वाली बलिनो में रहती थी, आप सबको पता ही है। बाकी इस गाड़ी का प्राइस की बात करें, प्राइस अभी कोई डिक्लेयर नहीं हुआ है, लेकिन जहाँ तक के प्राइस की बात है, ये गाड़ी आपको 7 lakh से शुरू होकर 10-11 lakh तक जाने वाली दोस्तों, क्योंकि इसका टॉप वेरियंट आपको 10-11 का मिलेगा, जितने का आपको i20 का मिलता था 10-11 के आसपास ये आपको मिलने वाला है, जो कि 7 lakh से शुरू होकर आपको 11 lakh तक जाएगी, जो कि ऑन रोड प्राइसिंग की बात कर रहा हूँ मैं। अब जो आने वाली बलिनो है वो एग्जैक्टली कैसे होगी वो तो तभी पता चलेगा जब गाड़ी लॉन्च हो जाएगी। ये बस मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, मैंने सोचा आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी जाए कि नई बलिनो आने वाली है। जो लोग अभी बलिनो लेने की सोच रहे हैं, अगर उन्हें इमीडिएट चाहिए तो अभी गाड़ी ले लें, अगर उन्हें रुक के चाहिए, अगर उनके पास टाइम है तो गाड़ी आप रुक के भी ले सकते हैं, तो बलिनो का नया वेरिएंट है वो ले लें। बाकी दोस्तों यही था हमारी आज की वीडियो में, एक इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी नई बलिनो के बारे में।
जो कि बहुत ही जल्द इंडियन मार्केट में बिल्कुल नए अवतार में आने वाली है। तो कैसे लगी वीडियो, अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों वीडियो को शेयर करा करो ताकि जो लोग बलेनो लेने का सोच रहे हैं उन तक सही इन्फॉर्मेशन जा सके। तो ऐसे ही दोस्तों प्यार बनाए रखो, अपना सपोर्ट बनाए रखो, और नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी दबा देना, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आपको कोई भी डाउट्स हो, आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM करके पूछ सकते हैं। बाकी दोस्तों ऐसे ही मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।